मैं हैदराबाद शहर की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आज जिस प्रकार का स्वागत हैदराबाद के रोड पर मैंने देखा है, शायद ही मैंने तेलंगाना में, हैदराबाद में, अन्य हिस्सों में भी इस प्रकार का स्वागत देखा है। जिस गर्म जोशी के साथ हैदराबाद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत किया है और अपना समर्थन इस चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व पर, हमारे प्रदेश नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी के लिए जी जताया है, इसलिए मैं हैदराबाद की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। पूरे रोड पर जहाँ पर भी गए, एक इंच भी जगह खाली नहीं दिखाई पड़ती थी और मुझे भरोसा है रोड शो को देखकर कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सीट बढ़ाने के लिए, संगठन बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रही है। इस बार चुनाव के बाद हैदराबाद में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये हैदराबाद की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। मित्रों, हैदराबाद के अंदर विश्व भर के आईटी हब बनने की सभी संभावनाएं पड़ी हुई है, मगर आईटी हब तब बनता है जब इसके अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर बने, और इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जिम्मा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अनेक प्रकार की ग्रांटें मिलती हैं, मगर इसका इंप्लीमेंटेशन ये शहर के शासन के हाथ में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हाथ में होता है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस प्रकार का कॉरपोरेशन यहाँ टीआरएस और मजलिस के नेतृत्व में चला है, वो हैदराबाद को आईटी हब बनने के लिए, विश्व का आईटी हब बनने के सबसे बड़ा रोड़ा है। अभी ही बारिश में पानी भर गया, लगभग 7 लाख लोगों के घर में परेशान हो गए, पानी भर गया। 6 साल से स्टॉर्म वाटर की एक भी लाइन, इसका सिल्टिंग नहीं हटाया गया, नालों का सिल्टिंग नहीं हटाया गया। पानी नहीं भरेगा तो क्या होगा? मजलिस साथीदार है, मजलिस के इशारों पर अवैध कंस्ट्रक्शन चलते हैं, एपीसमेंट होता है, इसके कारण पानी की निकासी के मार्ग के अंदर अवैध कंस्ट्रक्शन जो हुए हैं, उसने भी पानी भरने में, जमाव होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं हैदराबाद की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को यहां मौका दीजिए, हम सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन जो पानी की निकास के मार्ग में है, उसको हटाकर कभी भी हैदराबाद के अंदर पानी भरे ऐसी स्थिति नहीं रहने देंगे। मैं आज ये प्रेस वार्ता में ये भी पूछना चाहता हूं कि जब पानी भर गया तब श्रीमान केसीआर कहां थे? उनके निवास के सामने की कॉलोनियों में भी पानी भरा, हम भी मीडिया को ध्यान से देखते हैं, कहीं पर भी मुख्यमंत्री ने ना कोई दौरा किया,